एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगोर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 12th स्टैंडर्ड का OCM यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का नया सिलेबस और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। जी हाँ दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। या दोस्तों, मैंने कहा था कि दो वीडियोस इस पर आएंगे और ये है उसका दूसरा वीडियो जहां पर हम कुछ और टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बाय FW टेलर सीखने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था अबाउट वर्क स्टडी एंड दूसरा हमने देखा था फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन और इसमें हमने कई अलग अलग टेक्निक्स FW टेलर की दी गई देखी थी, जिसमें हमने देखा FMT यानी फटीग स्टडी और मोशन स्टडी, मेथड स्टडी और टाइम मैनेजमेंट की स्टडी। इससे हमें पता चलता है कि किस प्रकार अलग अलग साइंटिफिक टेक्निक्स का इस्तेमाल करके हम एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं, प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को हासिल कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम चार और टेक्निक्स देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की चार टेक्निक्स हैं स्ट्रीट डांसर, मेरा मतलब है दोस्तों SD। जी हाँ दोस्तों, शॉर्ट कोड टू रिमेम्बर दीज फोर टेक्निक्स इज स्ट्रीट डांसर, यानी S से तीन टेक्निक्स और D। जी हाँ दोस्तों, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, साइंटिफिक टास्क सेटिंग, साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग और D से डिफरेंशियल पीस रेट वेज प्लान। साथ ही साथ दोस्तों, एक अहम बात, ये इस चैप्टर का आखिरी वीडियो है और इसीलिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को देखना ना भूलें। डिस्क्रिप्शन में मैंने डाली है कुछ लिंक्स जो आपको लेकर जाएंगी नोट्स पर और इस चैप्टर के पूरे एक्सरसाइज के सॉल्व नोट्स आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिलने वाले हैं, तो डाउनलोड कीजिए वो नोट्स घर पे, इसे लिख कर प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से आंसर्स को प्रेजेंट कर पाएं। साथ ही साथ दोस्तों, बने रहिए हमारे चैनल पर, इसे लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट स्ट्रीट डांसर। तो दोस्तों, हमारा पहला पॉइंट है S से स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्जर्वेशंस और इन एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस के रिजल्ट्स के बाद टेलर ये एडवोकेट करते हैं कि इट इज एसेंशियल टू स्टैंडर्डाइज्ड और टू हैव स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। ये बहुत जरूरी है कि स्टैंडर्डाइज्ड इक्विपमेंट से क्वालिटी इक्विपमेंट और क्वालिटी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए, क्वालिटी टेक्निक का इस्तेमाल किया जाए प्रोडक्शन में। इससे क्या होगा कि स्पॉइलेज और वेस्टेज ऑफ मटेरियल कम होगा, रिड्यूस हो जाएगा, साथ ही साथ देयर विल बी रिडक्शन इन द फटीग और स्ट्रेस ऑफ द वर्कर्स, अ हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट विल बी क्रिएटेड व्हिच इन टर्न विल इंक्रीज द एफिशिएंसी। यानी अगर एक अच्छा माहौल चाहिए, एक हेल्दी एनवायरनमेंट चाहिए, तो इट इज एसेंशियल टू हैव स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। तो इस प्रकार दोस्तों, आज का पहला टेक्निक है इस वीडियो में स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स व्हिच विल लीड टू प्रॉपर एफिशिएंसी एंड गुड वर्किंग एनवायरनमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों अगला पॉइंट भी है S से साइंटिफिक टास्क सेटिंग। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत जरूरी है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स के लिए। कई बार ऐसा होता है कुछ वर्कर्स जो हैं, कुछ एम्प्लॉयज जो हैं, आलस के मारे या लेजीनेस की वजह से अपनी क्षमता से कम काम करते हैं। मैनेजमेंट का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है कि वो किस तरह से उनसे प्रॉपर काम करवा लें या काम निकलवा लें। और बेसिकली मैनेजमेंट का डेफिनेशन ही है, इट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम द पीपल या थ्रू द पीपल। तो ये बहुत ज़रूरी है कि लोगों से काम अच्छे से निकलवाया जाए और इसीलिए ये टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज साइंटिफिक टास्क सेटिंग। अगर एक व्यक्ति काम पर आता है और उसे पता है कि उसे आज क्या काम कंप्लीट करना है और उसे आज ये कंप्लीट करके ही जाना है, तो वो डेफिनेटली उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए एफिशिएंटली काम करेगा और उस टास्क को प्रॉपरली साइंटिफिक वे में कंप्लीट कर पाएगा। और इसीलिए साइंटिफिक टास्क सेटिंग इज एन एसेंशियल टेक्निक टू वंस अगेन इंक्रीज द एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द एम्प्लॉयज। दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के लिए सही व्यक्ति का सही जगह पर होना बहुत जरूरी है, यानी राइट पर्सन एट द राइट जॉब। और इसी के लिए है हमारी अगली टेक्निक, दैट इज साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है कि सही व्यक्ति को सही काम दिया जाए और इसके लिए सिलेक्शन प्रोसीजर के दौरान ही अगर स्पेसिफिकेशन फिक्स कर दिए जाएँ कि इस पर्टिकुलर जॉब के लिए ये स्पेसिफिकेशन हैं और उसी व्यक्ति को लिया जाएगा। जैसे एक पर्टिकुलर जॉब के लिए रिक्वायरमेंट है कि एक ग्रेजुएट होना चाहिए या पर्टिकुलर पोस्ट के लिए एक पोस्ट ग्रेजुएट की ज़रूरत है, ऐसे अगर इश्तिहार पहले से बना दिए जाएँ और इंटरव्यूज़ उसी आधार पर लिए जाएँ तो प्रॉपर सिलेक्शन भी हो पाएगा, साथ ही साथ सिलेक्शन के बाद प्रॉपर ट्रेनिंग देकर स्किल
स्किल डेवलपमेंट भी किया जा सकता है। तो दोस्तों ये पॉइंट काफी सिंपल सा है जो समझाता है कि किस तरह से सिलेक्शन प्रोसीजर से हम अच्छे लोगों को चुन सकते हैं और उन्हें अच्छी ट्रेनिंग देकर उनकी स्किल्स और उन्हें और एफिशिएंट भी बना सकते हैं। तो दिस टेक्निक इज नथिंग बट साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग बाय F.W. टेलर। दोस्तों हम बढ़ते हैं हमारे आखिरी पॉइंट की ओर, डी से डिफरेंशियल पीस रेट वेज प्लान। जी हाँ दोस्तों, रेम्यूनरेशन से रिलेटेड ये पॉइंट और ये टेक्निक समझाती है कि अगर आपकी एफिशिएंसी, आपका स्टैंडर्ड क्वालिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ वर्क अच्छा होगा, हाई होगा, तो आपका वेज रेट भी हाई होना चाहिए। और साथ ही साथ अगर आप स्टैंडर्ड क्वांटिटी और क्वालिटी से मैच नहीं कर रहे हैं, थोड़ा कम काम कर रहे हैं, क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं दे पा रहे, तो आपकी वेज रेट कम होनी चाहिए, लो रेट्स होने चाहिए। और ये बहुत सिंपल सा पॉइंट है, इससे मोटिवेट होंगे वर्कर्स, एम्प्लॉयज को मोटिवेशन मिलेगा, उन्हें समझ में आएगा कि हमें स्टैंडर्ड जो है ये रीच करना है, इस लेवल तक पहुंचना है, ऐसा काम करना है, इस क्वालिटी का काम करना है, ताकि हम भी हाइयर वेज रेट अर्न कर पाए, प्रमोशन हासिल कर पाए। तो ये पॉइंट बहुत सिंपल है दोस्तों, इट इज रिगार्डिंग रेम्यूनरेशन, वेजेस एंड सैलरीज विच क्रिएट्स डिफरेंशिएशन ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी ऑफ वर्क और क्वांटिटी ऑफ वर्क। अगर हम क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों सही देते हैं, दोनों अच्छी देते हैं, तो हमें हाइयर वेज रेट मिल सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने 6 टेक्निक्स साइंटिफिक मैनेजमेंट की सीखी हैं 2 वीडियोस में। पिछले वीडियो में हमने देखा था अबाउट वर्क स्टडी एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, और आज के वीडियो में, इस वीडियो में हमने देखे हैं और 4 टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जिसमें हमने देखा स्ट्रीट डांसर यानी SD, S फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट, S फॉर साइंटिफिक टास्क सेटिंग, S फॉर साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, और D से डिफरेंशियल पीस रेट वेज प्लान। तो इस प्रकार दोस्तों हमने अलग अलग टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट देखी। फिर एक बार कहना चाहूंगा दोस्तों, डिस्क्रिप्शन को देखना मत भूलिए, उसमें मैंने नोट्स दिए हैं इस चैप्टर के, उन्हें डाउनलोड कीजिए, लिख कर उन्हें प्रैक्टिस कीजिए। फिर मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में विद सम मोर इंटरेस्टिंग आंसर्स। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।